पुलिस कमिश्नर रेट के विवेक विहार थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच झंडा लगाने की बात पर हुआ झगड़ा, पुलिस का भारी जाप्ता मौजूद। खबर जोधपुर के पुलिस कमिश्नर के विवेक विहार थाना क्षेत्र से है। पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है। लोग आपस में उलझकर नारेबाजी करने लगे। सूचना पाकर विवेक विहार मौके पर पहुंचे। लोगों की भीड़ को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बुलाई गई। आपके अलावा किसी ने ऐसा जिसने भी गलती की है, जिन्होंने भी गलत काम किया है या आपके इस माहौल को बिगाड़ने का काम किया है, आपकी लिखित रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी है उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। आपको सुनने के लिए मैडम आया, मैं मैडम से निवेदन करूंगा। हल्ला मचाने से, हाउ उल्लट करने से, अपना गांव का माहौल खराब करने से आपकी नेगेटिव जाएगी, ठीक है ना? तुम यहाँ त्योहार मना रहे हो ना, समारोह मनाने के लिए कर रहे हो ना, आपकी नेगेटिव जाएगी कि उस गाँव में हंगामा हुआ। दूसरी बात, मौखिक जमाबंदी करने से आप मेरे से कुछ कहो, मैं आपसे कुछ कहूँ, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपकी रिपोर्ट आपके लोग लिख रहे, ठीक है, जिन्होंने की जो नाम हमारे पास अभी तक आए, हो सकता है हमने उठा लिया, नहीं उठा लिया, हमने कर दी कार्रवाई। और भी कोई कार्रवाई, आप कह रहे हो रूटीन दिनों में भी कुछ होता है, शुक्रवार को होता है, शनिवार को होता है, रविवार को होता है। आप जब तक, क्या आपने अब से पहले SHO के या थाना अधिकारी के ध्यान में ये चीज लाई थी? सुनो मेरी कोई बात, बात पूरी सुना करो फिर बोला करो, सॉल्यूशन बता रहे हो फिर कहोगे कि नहीं हुआ। एक रिपोर्ट तो आज की घटना की देखो, और एक रिपोर्ट तो जनरल होता है ना आपके साथ कि हर मंगलवार को ऐसा होता है, हर शुक्रवार को ऐसा होता है। तो आज भले से हो चाहे नहीं हो वो लोग यहाँ पे, लेकिन अगर वो हमेशा आकर परेशानी पैदा करते हैं तो हम उनको पाबंद करा देंगे ताकि भविष्य में नहीं करें, ठीक है? दोनों रिपोर्टों को मिक्स मत करना, अलग अलग इसलिए कहीं अपन ऐसा नाम लेते हैं जो यहाँ पे हो ही नहीं, तो जिनको अपन भविष्य के लिए, एक तो है कि आज के जो घटनाक्रम हुआ है उसमें हमको कार्रवाई करानी है, तो आज जो घटनाक्रम हुआ है उसमें चार लोगों ने, पांच लोगों ने मेरी मारपीट करी है, एक रिपोर्ट ये हो गई। दूसरी रिपोर्ट होगी जो जनरल, आप कह रहे हो शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को, जब भी आके नाटक करते हैं, हो सकता है उनकी आज आप जबरदस्ती उसमें नाम लिखा दो और उनकी यहाँ पे हो ही नहीं। अपनी रिपोर्ट गलत मत करना, दोनों रिपोर्टें लिख के दे दो, हम साथ में यहीं पे लेके जाएंगे, तुरंत लिख दो और हल्ला उल्लट मत करो बिना, ठीक है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। चार दिन पहले मैंने अभी क्या कहा, ये भी हुआ था, वो लिख के दे दो, इसके अलावा कोई बात हो तो बताओ। मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं जैसे बाहर के लोग शुक्रवार को जो ज्यादा लोग आते हैं, कम से कम 300-500 लोग आते हैं, वो बहन किस काम के लिए आते हैं? ये हमारे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। मैं उनको बात कर रही हूँ, बाहर के लोग आते हैं तो कोई दुकान की चोरी होती है तो बात तो हो गई है मैम, किसी के मंदिर की में, हमारे इंग्लैंड माता के मंदिर की भी चोरी हो गई है। हम ये जो बाहर के लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए नहीं आना चाहिए, मस्जिद ये सब चीजें सार्वजनिक होती है। कल को वैष्णो देवी के मंदिर में कह दे कि साहब बाहर के लोग पूजा करने के लिए आने चाहिए, मंदिर चल जाएगा, तीर्थ चल जाएगा। आप किसी को किसी जगह पे जाने के लिए पाबंद नहीं कर सकते। हाँ, क्या व्यवस्था करनी है, गलत लोग नहीं आए, कोई अपराध होता है उसमें क्या कार्रवाई करनी है वो अपना नाम है। आपके कोई ये कहे, कोई ये वाले दूसरे लोग ये कहे कि साहब इनके हनुमान जी के मंदिर में लोग बाहर से चारों तरफ से लोग आते हैं, इनको बंद कर दो, क्या आप ये बर्दाश्त कर लोगे? नहीं करेंगे। फिर गलत आपको ये पूछ ले, सही काम करना, सही काम करो, जो चीजें गलत आपके लिए हो सकती है वो चीजें गलत उनके लिए भी हो सकती है, ठीक है ना? गलत कोई डिसीजन मत करो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपकी आज की बात करके तो हमने लोग उठा लिए, चाहे 3-4 लोग उठा लिए आज की बात, लेकिन भविष्य में भी कोई ऐसी घटना हो और आपको लगे कि ये लोग परमानेंट करते हैं, बदमाशी करते हैं, उनकी आपने गलत रिपोर्ट देना, ठीक है? तो कौन रिपोर्ट लिखेगा और कौन देगा वो बताओ। तो वो किसी आदमी कह दो जो होशियार आदमी हो, आप चल जाओ, आपकी जो है ना वो स्लिप पा दो। और बाकी सब